पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर ज्वाली भाजपा मंडल महिला मोर्चा ने स्वागत करते हुए उन्हें बधाई दी। आज ज्वाली के भाजपा कार्यकर्ताओं ने विश्राम गृह ज्वाली में महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष मधु बालक की अध्यक्षता में ज्वाली विश्राम गृह से लब बाजार तक रैली निकाली गई तथा पटाखे चलाकर व लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर महिला मोर्चा अध्यक्ष मधुबाला ने कहा कि छोटे से प्रांत हिमाचल प्रदेश के लिए यह गौरव की बात है कि हिमाचल से संबंधित जगत प्रकाश नड्डा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष बने। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व पूर्व अध्यक्ष अमित शाह का धन्यवाद किया तथा उम्मीद जताई कि जेपी नड्डा के नेतृत्व भाजपा को देश व हिमाचल में नई दिशा मिलेगी और भाजपा बूथ स्तर मजबूत होगी। जेपी नड्डा जी हमारे इस देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। पूरे देश में खुशी का माहौल है और हमारे छोटे से राज्य हिमाचल प्रदेश में भी इस खुशी की लहर है। इस मौके पर हमारे ज्वाली मंडल के जितने भी युवा मोर्चा और जो भी जितने भी मोर्चे थे, जैसे ही हमें उनको इस कार्यक्रम के बारे में सूची दी, वो एकदम इकट्ठे होकर खुशी का जश्न मनाने में पीछे नहीं हटे। तो मैं श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूं और अपने आदरणीय प्रधान सीएम जी का भी धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने हमारे छोटे से राज्य को इतना बड़ा गौरव भी दिखाया है। विधानसभा में पटाखे फोड़े, लड्डू बांटे और जहाँ तक कि मेरे खुशी मनाकर बिल्कुल मेरी बहनों ने भाइयों ने पूरा उत्साह से जेपी नड्डा का अध्यक्ष बनने पर खुशी जाहिर करी है। धन्यवाद। आज बड़ी खुशी का विषय है कि माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अध्यक्ष चुना गया है। इसके लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी व हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज ज्वाली मंडल में खुशी की लहर है, इसके उपलक्ष्य पर हमने पटाखे चलाए और सारे मंडल ने लड्डू भी बांटे